नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग लेकर के आया हूँ, जिसके माध्यम से आप जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। अगर आप सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक रहस्यमय जानकारी दूंगा जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आप जानकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को सही प्रकार से दबा लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सभी प्रकार की जानकारियों का लाभ उठा पाएं, तथा घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग, साथ ही साथ इसके बाद आपको बताऊंगा एक ऐसा दिव्य चमत्कारी उपाय जिसके बारे में आज तक आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको सोना बनाने का प्रयोग एक ऐसी औषधि के माध्यम से बताऊंगा जिसको समाज में लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कागतुंडी से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग। कागतुंडी एक ऐसी दिव्य औषधि है, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसके प्रयोग से सोना बनाया जा सकता है। दोस्तों, कागतुंडी को हिंदी में काकरी तथा ककड़ी भी बोलते हैं। आप लोगों ने ककड़ी जरूर खाई होगी, कागतुंडी को ही ककड़ी बोलते हैं। और दोस्तों, जब गर्मी का मौसम आता है उस समय तो लोग बहुत ज़्यादा ककड़ी को खाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके जो फायदे हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे सोना बनता है। वैसे तो इसके आयुर्वेदिक फायदे बहुत हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को मालूम है कि कागतुंडी अर्थात ककड़ी से सोना भी बनाया जाता है। तो दोस्तों, यही विद्या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, अर्थात दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं, जैसे कागतुंडी काकरी एवं ककड़ी। ठीक है दोस्तों, रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में इस कागतुंडी के पके यानी ककड़ी के पके मनोहर फल को लाकर उसके रस को निकालने के पश्चात उस रस के साथ पारद का एक दिन तक मर्दन करने से वह पारद बंध जाता है। इसी प्रकार लगातार 20 दिनों तक इसके रस के साथ पारद का मर्दन करने से पारद की 60 मुख की गुटी बन जाती है, अर्थात गोली बन जाती है। उस गुटी को धारण करने मात्र से ही मनुष्य 60 सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह वो दिव्य चमत्कार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने इस क्रिया के द्वारा इस पारे धातु को मर्दन करके गुटका बना ली, तो दोस्तों मनुष्य के अंदर 60 सिद्धियों की शक्ति आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 60 सिद्धियों में बहुत सारी सिद्धियां आती हैं, जैसे अदृश्य होना, हवा में उड़ना, इसकी जैसी अनेकों चमत्कारी सिद्धियां इससे मिलती हैं। अब बताता हूँ आपको सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने रहस्यमयी प्रयोग और दिव्य चमत्कारी रहस्यमयी जानकारी मैंने आपको पहले बता दी है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग। दोस्तों, आपको क्या करना है कि कागतुंडी के रस को यानी ककड़ी के रस को रांगा में मिला दिया जाए, तो जो रांगा धातु है ना दोस्तों, रांगा धातु शुद्ध सोने में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस क्रिया को करते वक्त आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप जो है कागतुंडी के रस को, जी हाँ दोस्तों, कागतुंडी के रस को नांग धातु में, जी हाँ दोस्तों, नांग धातु में अगर मिलाते हैं तो दोस्तों नांग धातु चांदी में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कागतुंडी के फल के रस को यदि
द्रवित अर्थात पिघला करके, जी हाँ दोस्तों, काकतुंडी के फल के रस को द्रवित ताम्र में यानी कि पिघलते हुए तांबे में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिघलते हुए तांबे में यानी कि द्रवित तांबे में आप जब काकतुंडी यानी ककड़ी के रस को डालते हैं तो दोस्तों जो तांबा होता है वह शुद्ध जंबुनद सोने में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जंबुनद एक दोस्तों विशेष प्रकार का सोना होता है, अर्थात दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसको शुद्ध माना जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोना माना जाता है जिससे ये सोना का निर्माण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही सोना बनाने की जानकारी पाने के लिए आप सभी हमसे जुड़े रहें और हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की जानकारी लाते रहते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।